दिल्ली की हवा गुणवत्ता में आया सुधार, AQI 280 पहुंचा। सीएम योगी का ओवैसी पर हमला। निजी क्रिप्टो करेंसी होगी बैन, भारत ने की बैन की तैयारी, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी की हो गई क्रैश। किसान आंदोलन के बीच वेस्ट यूपी में गरमाने लगा जाट आरक्षण का मुद्दा, दिसंबर से होगी लड़ाई। कोवैक्सीन की दोनों डोज वाले कोरोना मरीजों में 50% प्रभावी, स्टडी में दावा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर, जहां एक ओर प्रशासन के द्वारा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसने की बात कही जाती है, वहीं साथ ही सरकार के द्वारा भूमाफियाओं के लिए अलग से एंटी भूमाफिया का गठन भी किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर भूमाफियाओं के आगे प्रशासन बौना साबित होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि 2 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा होने की शिकायत मिलने के बाद भी प्रशासन के द्वारा 1 साल बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि भूमाफियाओं के मनोबल बढ़ते नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ के तहसील खैर के थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया लगातार अपना कब्जा जमाते नजर आ रहे हैं और प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठे नजर आती है। बता दें कि ये जमीन स्वास्थ्य विभाग के 3 बीघा से ज्यादा है, जिस पर भूमाफिया के द्वारा कब्जा जमा रखा है। टप्पल के समीप स्वास्थ्य विभाग को सरकारी जमीन अलॉट हुई थी, जो कि खतौनी में भी दर्ज है। परेशानी ये स्वास्थ्य विभाग की जमीन है ये, और ये सर इन भूमाफिया ने घेर रखी है, और हम इसकी शिकायत किया के? कोई शिकायत नहीं की, शिकायत करने कोई सुने ही ना है। अच्छा, कितनी बार शिकायत किया आपने? कई बार शिकायत करी, कोई नहीं सुनता है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, यहाँ पर जो जमीन के प्लॉट नापे गए, क्या कोई लेखपाल नापने आया था यहाँ पर? ना, कोई नहीं आया लेखपाल, वो भूमाफिया अपने आप बना। खबर अलीगढ़ से है, जहां भूमाफियाओं के आगे एक समस्या सामने आई, स्वास्थ्य भूमाफियाओं के आगे बौना साबित हो रहा है प्रशासन, जहां स्वास्थ्य विभाग की जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा देखने को मिला है। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा देखने के लिए मिला है। टप्पल के समीप स्वास्थ्य विभाग को सरकारी जमीन अलॉट हुई थी, जो कि खतौनी में भी दर्ज है। अलीगढ़ के रेलवे रोड तांगा स्टैंड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिससे आम जनता को जाम से झाम से निबात दिलाई गई, जिसको लेकर व्यापारियों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों के अलावा किसी भी एक की ना चली। अलीगढ़ महानगर में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है, जबकि ऐसी परिस्थिति के चलते अब अतिक्रमण करने वाले लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। ऐसे में लोगों के द्वारा शिकायत मिली हमें कि तांगा स्टैंड पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, और हमने अपनी प्रवर्तन दल टीम के साथ आए और यहां से तांगा स्टैंड से जो भी अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उनको हटा दिया गया है और इनको चेतावनी दी गई है, भविष्य में अगर इस तरह अगर इन लोगों ने अतिक्रमण किया।
खबर औरैया से है, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा द्वारा विभाग के रियलिटी चेक को लेकर अपने विभाग पहुंच गए, जिससे पुलिस विभाग में खलबली मच गई। बता दें कि मेन सुभाष चौक पर पुलिस चेकिंग ना करते हुए साइड में खड़ी पाई गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए, जिसके बाद एक्शन में पुलिस दिखी। खबर और ऐसे हैं, जहां पुलिस अधीक्षक ने किया है औचक निरीक्षण, चौराहा और कोतवाली के रियलिटी चेक किया गया। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से औचक निरीक्षण किया गया। पुलिस अधीक्षक ने किया है औचक निरीक्षण, जहां पर पुलिस के अधिकारी किनारे खड़े पाए गए। ये मेरे द्वारा जनपद में कई बार चेकिंग के आदेश दिए जाते हैं और आज इसको देखने के लिए कि जनपद में प्रभावी चेकिंग करी जाती कि नहीं करी जाती थाना अध्यक्ष द्वारा, उसके लिए मैं स्वयं गाड़ी से निकला था और उसमें पाया कि कई लोग किनारे खड़े होकर के आदेशों की अवहेलना करते थे। जो भी ऐसे दोषी कर्मी पाए गए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए मैंने बताया है और साथ में ही लोगों को एक्टिवेट किया है कि वो लोग जब भी चेकिंग का आदेश दिया जाए जनपद पुलिस द्वारा ये सुनिश्चित करना है कि उस आदेश का 100% पालन हो और चेकिंग कराई जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता औरैया से जाहिद जुड़ चुके हैं। तो जाहिद, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, कैसी लापरवाही देखने के लिए मिली है इस औचक निरीक्षण के दौरान? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि औरैया जनपद में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा जी ने रात बिना स्पॉट की खुद एक यूटी गाड़ी में बैठ कर और वहां से अपने निकल पड़े। उन्होंने कई पॉइंटों को चेक किया, जैसे शहर के सुभाष चौराहा, जो मेन चौराहा कहा जाता था, जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ इलाका कहा जाने वाला इलाका है, वहाँ पर पुलिस के जवान जो PID के जवान जो थे वो किनारे खड़े हुए पाए गए। उसी के दौरान SP अभिषेक वर्मा ने जैसी चौराहे का भी निरीक्षण किया, उसके बाद शहर कोतवाली का भी निरीक्षण किया, जहाँ पर सब व्यवस्था ठीक मिली। और यह बात तो ये देखने की कि पुलिस अधीक्षक खुद ही अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रही थी और खुद ही वो अकेले निकल पड़ी। और क्षेत्रों में भी क्या इस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, और जो पुलिस कर्मचारी वहां पर किनारे खड़े पाए गए, क्या उन पर और कोई कार्रवाई भी की गई है? हाँ, इस संबंध में प्राइम टीवी की टीम ने पुलिस अधीक्षक जी से बात की तो इन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग की कार्रवाई की जाएगी, जो इस तरीके से किनारे खड़े पाए गए हुए हैं। किसी पुलिस कर्मचारी को निष्कासित भी किया है, कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया है? नहीं, अभी तक किसी को निष्कासित नहीं, किसी को सस्पेंड नहीं किया है, उनकी विभावित कार्रवाई करने की बात की उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ के थाना दहली गेट के क्षेत्र के ADA कॉलोनी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महामंत्री रूबी आसिफ खान के पति को पहले दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद दबंगों ने खुलेआम भाजपा नेत्री के पति पर फायर झोंक दिया, जिसमें भाजपा नेत्री और उनके पति बाल बाल बच गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया है। मेरी सास की हालत खराब थी काफी 5-6 दिन से, बस मैं गई हूँ उनके हाल चाल पूछे, मैंने इतनी देर में बाइक पे आए 3 लोग और आके फायरिंग करी, मैं बिल्कुल बाल बाल बची हूँ, मेरे गोली लगते से बची है मेरे हस्बैंड और मेरे। अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में जहां पर सपा के जिला अध्यक्ष गिरीश यादव ने समाजवादी पार्टी के जिला सचिव बाबू सिंह धनगर को परिवर्तन यात्रा के लिए रवाना किया, जिसकी जानकारी देते हुए बाबू सिंह धनगर ने बताया कि वो प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं का साइकिल से दौरा करेंगे, साथ ही वो अपने समाज को जागरूक करते हुए भाजपा को वोट नहीं देने की भी अपील करेंगे। अपने समाज में पाल, बघेल, धनगर, गढ़रिया समाज को जागृत करते हुए और जो समाजवादी पार्टी ने इनके साथ कार्य की, धनगर का सर्टिफिकेट समाजवादी है, कार्य मिल रहा, जब से समाजवादी पार्टी रही है इनके साथ हर अच्छा व्यवहार हुआ, लेकिन कुछ टाइम पिछली साल बाद ये समाज के लोग भटक गए थे, इनकी बातों में आ गए थे, लेकिन अब ये पूरा समाज पाल, बघेल, धनगर, गढ़रिया समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है,
निश्चित रूप से 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए पूरा समाज एकजुट होकर समाजवादी की पार्टी के साथ रहेगा। इसी परिवर्तन यात्रा को लेकर हमारे भाई बाबू सिंह धनगर जी यहाँ से जाल निकल रहे हैं, विधानसभाओं में घूमते हुए, गाँव में घूमते हुए और लखनऊ। पाल बघेल धनगर प्रत्याशी है, इसके सर्टिफिकेट नहीं बनाया, इस सरकार से हम बहुत दुखी हैं। और माननीय मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जाति से जहाँ जहाँ 403 विधानसभाओं पर मैं जाऊंगा और अपनी पाल बघेल धनगर। चंदौली में पिछले साल के धान खरीद का भुगतान नहीं होने से नाराज सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू ने कहा किसानों के साथ मिलकर जिला विपणन कार्यालय का करीब 5 घंटे तक घेराव किया। इस दौरान किसानों के बकाया भुगतान के साथ ही लापरवाही एजेंसी संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। वहीं एक सप्ताह के अंदर किसानों के बकाया भुगतान करने के आश्वासन पर पूरा मामला शांत कराया गया देखिए ऐसा है कि मैं 3 तारीख को आया था और 3 तारीख को यहाँ पर लिख के हमको दिए थे, 10 दिन का टाइम मिले थे, 10 दिन में अपने तरफ से भी दिया और 3 तारीख से लेके 23 तारीख तक जिला में 60 से 70 लाख रुपया बांटने का ये लोग काम किए हैं। आज मैं किसान को बुलाया था, कई किसान आए हैं और आज रात में भी बहुत से किसानों को पैसा। शाहजहांपुर में 19 साल पहले हुई 3 बच्चों की सामूहिक हत्या के मामले में 2 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 2002 में हुई 3 बच्चों की हत्या के मामले में विवेचना अधिकारी को बेटियों की हत्या के मामले में पिता को ही झूठे आरोपी बताकर जेल भेजने का दोषी पाया गया, जिसके बाद बेटियों का पिता विवेचना अधिकारी के लिए भी फांसी की मांग कर रहा है, जबकि कोर्ट ने विवेचना अधिकारी के खिलाफ NBW वारंट जारी किया है। उनकी 3 बेटियों को घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। बाजी ने 3 अभियुक्तों नक्तुलाल, नरवेश और राजेंद्र 3 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर मुकदमा कायम कराया। पुलिस आयोग जो इंस्पेक्टर थे समय निगोई के होशियार सिंह, उन्होंने मुजरिमों को निकाल दिया और बाजी को ही मुजरिम बना दिया और उसके खिलाफ चार्जशीट लगाकर न्यायालय में गवाह पेश हुए। मतलब जो लड़कियां 3 मरी थी उनकी माँ पेश हुई और गवाह पेश हुए, उनके आधार पर न्यायालय ने जो मुलजिम नामित किए गए थे उनको तलब कर लिया और उनके खिलाफ टाइट शुरू हुआ और साथ में बाजी के खिलाफ भी टाइट शुरू हुआ। सारे गवाह जब पेश हुए तो साक्ष में आया कि जो मुलजिमान नामित किए गए थे उनको न्यायालय ने दूसरे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आयेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो आयेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, जैसे कि देखा जाता है कि जो 2002 में जो घटना हुई थी 19 अक्टूबर के लिए, तो इसमें 3 बच्चियों की निर्मम हत्या की गई थी जो गोली मार करके, जिसके बाद आज 19 साल लगभग हो चुके थे। तो 19 साल के बाद आज उन दोषियों को तीनों को जो है फांसी की सजा सुनाई गई है। और यहाँ पर जो ये मामला जो सब थाना क्षेत्र के गांव मकरंदपुर का था, यहाँ के अवधेश कुमार की 3 बेटियां थी जिनकी 15 अक्टूबर को सोते समय मौत हो गई थी और गोलीबाजी भी चली थी और जिसके बाद उन्होंने पुरानी रंजिश भी देखी जाती है। अवधेश को मारने के लिए कुछ लोग आए थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसके बाद झूठा मुकदमा में फंसा कर उनके पिता को जेल भी भेजा गया था, जिसके बाद 2 महीने उन्होंने जेल भी काटी थी। जेल के बाद छूटने के बाद आज काफी कोशिशों के बाद प्रशासन के पुलिस अधीक्षक के सानंद के निर्देशन में काफी कड़े रुख को केस को अपनाते हुए आज उन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आयेंद्र, ये बताइए कि जिस तरीके से पिता के ऊपर इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, पिता भी 2 महीने जेल काटी थी, तो क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है? क्या उसके लिए कोई क्षमा याचना या कोई ऐसी चीज की जा रही है जिसकी वजह से जो 2 महीने उनके पिता ने सजा काटी थी उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, पीड़ित का कहना है कि जो हमारे लिए जिसने विवेचना की थी और हमें जेल भेजा गया है, जिसके द्वारा
तो उन लोगों पर, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पिता का कहना यही है और अभी तक जो है इस मामले में कोई विचार पुलिस विभाग या अधिकारियों द्वारा कोई नहीं किया गया, लेकिन पीड़ित का कहना है कि जिन लोगों द्वारा विवेचना की गई थी और जिसने हमें झूठे मुकदमे फंसाया था उन लोगों के बड़े उन लोगों पर भी कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ अभी यहाँ पर इस तरीके से कोई संज्ञान नहीं मिल रहा है, ना पुलिस विभाग से कोई अधिकारी इस तरीके से मामले को अभी गंभीरता से नहीं दिखता है। तो क्या उनके पिता ने मानहानि का केस दर्ज किया है उन पर? नहीं, अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है जिससे कि उनको कोई मानहानि का केस दिया दर्ज किया गया हो, ऐसा कुछ नहीं अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि रिपोर्ट दर्ज की गई थी तीनों के खिलाफ, उसका विवेचना उसमें अभी चल रही है। हालांकि विवेचना चलने के बाद जो बेटियों के हत्यारों को बताया कि न्यायालय समक्ष अभी पेश किया जाएगा, इसके बाद आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इनको जो जो आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं उनको जो सजाए मौत मिली गई है, तो सजाए मौत किस दिन उनको फांसी की सजा दी जाएगी? देखिए अभी कोई ऐसी टाइम डेट है वो निर्धारित नहीं की गई। हालांकि सहायक जिला कक्ष के अधिवक्ता श्रीपाल का कहना है कि अपर सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ कुमार वादव ने गवाहों के बयान को साक्ष्यों के आधार पर राजेंद्र के व नरेश को फांसी की सजा सुनाई, जबकि इसमें छुटने के लिए जो तीसरा जो अपराधी था उसे ट्रायल पर रखा गया है और उसके ट्रायल के दौरान उसकी मौत हो चुकी थी जो पहले का। इसमें अभी दो जो है आरोपी वो गिरफ्तार किए गए हैं, उनकी अभी कोई टाइम ऐसी निश्चित नहीं की जिससे उनको फांसी दी जाएगी। जिस तरीके सूचना ऐसे ही मिलती है तो आगे क्या है कुछ जानकारी मिल पाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आयेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सहारनपुर पहुंचे जहां उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा उत्थान कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सपा बसपा और केंद्र में यूपीए की सरकार के समय चारों ओर भय भूख और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सपा की सरकार में पहले एक जिले में और एक ही जाति के लोगों को नौकरी मिलती थी, लेकिन योगी सरकार में प्रदेश के 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है। कुछ राजनीतिक दल यूपी को तालिबान बनाना चाहते हैं, इसलिए योगी के साथ आए ताकि देश और धर्म को बचाया जा सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रोफेशनल युवाओं को युवोत्थान कार्यक्रम के माध्यम से योगी सरकार मोदी सरकार की नीतियां पहुंचाने का काम भी किया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उन तक भी पहुंचे, सदस्य भी बने और देश को मजबूत करने में देश के प्रोफेशनल्स आगे आए। उत्तर प्रदेश जहां लगभग 24-25 करोड़ की आबादी है, उस राज्य में शानदार काम योगी जी की सरकार के समय माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाकर हुआ, कोविड की रोकथाम करके हुआ, अर्थव्यवस्था को 9वें नंबर से 2रे नंबर पर पहुंचाने का काम हुआ, भय और भ्रष्टाचार गुंडाराज के खिलाफ कठोरता से कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश अन्य अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और अब समय है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के युवाओं को भाजपा के साथ जोड़कर आने वाले चुनावों में पूरी सक्रियता के साथ गांव-गांव, पोलिंग बूथ, शहरों में सब जगह सक्रिय करके अपने साथ जोड़े और मोदी जी योगी जी की सरकार की नीतियों को। आगरा की थाना ताजगंज क्षेत्र के फेस वन में अचानक बंद कमरे में आग लग गई। आग लगने के दौरान कमरे के अंदर थे 2 बच्चे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगने से कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है, जिसके बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल है। मुझे नहीं पता मेरे घर में कैसे आग लगी है, मेरे हस्बैंड बाहर काम के लिए चले गए हैं, मजदूरी करते हैं मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के लिए वहाँ से पैसे भेजते हैं, मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। घर आपका ही है? घर में रेंट पे रहती हूँ मैं, किराए पे रहती हूँ मैं। मेरा बच्चे अंदर दोनों बंद थे, मैंने कुंडी खोल के अपने बबच्चों को बाहर निकाला है। मेरे 3 बेटे हैं छोटे छोटे, मेरा पूरा घर जल गया है, कुछ भी नहीं बचा मेरे घर के अंदर। मेरे
अलीगढ़ के थाना सासनी गेट बराई स्ट्रीट मोहल्ले में गत्ते के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना तुरंत दमकल कर्मचारियों को दी गई। दमकल कर्मचारी ने पहुंचकर आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन सक्री गली होने की वजह से दमकल गाड़ी गत्ते के गोदाम तक नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद पाइपलाइन बिछाकर दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। कोई अंकित जिंदल साहब थे, उनकी गत्ता फैक्ट्री थी, उसमें आग। किस तरह से आग लगी कुछ पता लगा? आग का भी कोई आग लगने का कारण पता नहीं है, संभवतः शॉर्ट सर्किट हुई होगी। क्या वजह से आग लग रही थी वो क्या है? 3:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली, इस पे बनादेवी की गाड़ी, काला नगरी की पुलिस लाइन की गाड़ी मौके पर आई। गाड़ी घटनास्थल ना पहुंचने की वजह से पाइप लाइन बिछाई गई वहीं से। औरैया में ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय ट्रैक्टर और बुलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेरो के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में एक महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहार में भर्ती कराया है। इस समय एक्सीडेंट के बाद कन्नौज औरैया रोड पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने क्रेन की मदद से बोलेरो को हटाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू कराया गया। ये आज शाम को करीब 10 बजे के आसपास बेला थाने की तरफ से एक बोलेरो आ रही थी, उसमें यहीं ललईपुरवा गांव के कुछ लोग थे। ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के उसमें ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, और इसमें एक महिला जिसकी उम्र करीब 22 साल है और उसकी 8 महीने की बच्ची, और एक अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र भी 20-25 साल है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।